हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। और ये वही डॉक्यूमेंट है जो इनकॉर्पोरेशन की स्टेज पर आरओसी को सबमिट होते हैं। जैसे हम दो डॉक्यूमेंट की बात कर चुके हैं, एक एमओए, दूसरा एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। बचे हुए चार डॉक्यूमेंट की बात आज और करनी है, जिसमें बेटा पहला है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। जैसे बता देता हूँ बेटा, ये बात हम पहले कर चुके हैं जब हम प्रमोशन स्टेज पढ़ रहे थे। उसमें फोर्थ स्टेप आ रहा था फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज टू एमओए। वहां हमने पढ़ा था जो मेमोरेंडम पे साइन करते हैं दे विल बिकम द फर्स्ट मेंबर एंड द डायरेक्टर ऑफ कंपनी, और जिनको भी आप डायरेक्टर बनाने के लिए राजी करोगे उनकी रिटर्न कंसेंट जरूर ले लेना, और उनको कहना कि वो क्वालिफिकेशन शेयर भी बाय करें। जिनको ये बात याद नहीं है पहले वो वीडियो देखना, तब जाकर ये वीडियो कंफर्म होगी। तो आप जिसको भी राजी कर रहे हो कि वो आपकी कंपनी में डायरेक्टर बन जाए, उसके रिटर्न कंसेंट भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो इनकॉर्पोरेशन की स्टेज पर आरओसी के पास सबमिट होता है। इसमें लिखा क्या होता है? इसमें बेसिकली यही लिखा होता है कि डायरेक्टर कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से पूरे होश में कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने को तैयार हूँ। मैं किसी की इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में नहीं हूँ, प्रमोटर ने मुझे दबाव बनाकर डायरेक्टर नहीं बनाया, और मैं फ्यूचर में क्वालिफिकेशन शेयर भी बाय कर लूंगा। ये लिखा होता है कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर में। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी अब, क्योंकि पिछली बात से ही लिंक्ड है। फिर बेटा फोर्थ नंबर पे जो डॉक्यूमेंट आता है, आज का जो सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो है एग्रीमेंट। क्या मतलब है एग्रीमेंट का? कंपनी बेटा अपने स्पेशल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ एक एग्रीमेंट जरूर साइन कराती है। ये स्पेशल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन से होते हैं? आपने नाम सुना होगा मूवीज में एमडी का। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। आपने नाम सुना हो सकता है मैनेजर का। आपने नाम सुना हो सकता है डब्ल्यूटीडी का, दैट मीन्स होल टाइम डायरेक्टर। ये बेटा किसी भी कंपनी में स्पेशल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जिनको कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी होती है, सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी किससे सामान खरीद रही है, कौन हमारे कस्टमर है, सारी इनसाइडर जानकारी इन स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास होती है। इनके पास वो जानकारी भी होती है जो अभी तक हमने पब्लिक को नहीं बताई होती, यानी कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन कह सकते हो। तो इनके साथ एग्रीमेंट किस बात का किया जा रहा है? कंपनीज के साथ इनके साथ बेसिकली एक एग्रीमेंट ये करती है कि आप बिना बताए ये नहीं कह सकते कि मैं कल से कंपनी छोड़ रहा हूं। आप इनके साथ एक एग्रीमेंट करते हो कि जब भी आप कंपनी छोड़ना चाहोगे, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे होल टाइम डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजर हो, एटलीस्ट 3 मंथ प्रायर हमें नोटिस दोगे। यानी कि पता होना चाहिए कंपनी को कि आप छोड़ रहे हो नौकरी। आप कल से नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझो बेटा ये स्पेशल काइंड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनके पास कंपनी के सारी बारीक इंफॉर्मेशन है जो किसी के पास नहीं है। अगर इन्होंने एट वंस नौकरी छोड़ी, कंपनी बहुत ज्यादा सफर करेगी, कई महीनों तक कंपनी का काम बैलेंस नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई इनके साथ ही एग्रीमेंट करना पड़ता है। आई होप ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है स्टैच्यूरी डेक्लेरेशन। ये क्या चीज है बेटा? स्टैचुरी वर्ड मतलब होता है लीगल, लीगल डेक्लेरेशन, यानी कि डेक्लेरेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। और इंडिया में डेक्लेरेशन सिर्फ एक ही चीज पर दी जाती है, वो है स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर पे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख कर दे देते हैं कंपनी बनाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है, इधर एमओए और एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर, एग्रीमेंट, हमने सब बना लिया। हम लॉ के हिसाब से कंपनी बना रहे हैं, सारी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी है, और इस पर सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन कर देते हैं। बस इतनी सी स्टेटमेंट लिखी होती है बेटा स्टैम्प पेपर के ऊपर। दिस इज स्टैच्यूरी डिक्लेरेशन। एंड द लास्ट वन इज पेमेंट ऑफ फी। बेटा कोई भी रजिस्ट्रार है, कोई भी आरओसी है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन फ्री में नहीं कर देगा। कहीं ना कहीं बेटा उसके लिए कोई ना कोई फी चार्ज होगी। दिस इज पेमेंट ऑफ फी। और बेटा जिस दिन मैंने ये टॉपिक शुरू करा था डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, उसी दिन एक बात बोली थी कि इनकॉर्पोरेशन और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड में 99.9% चीजें सिमिलर है, सिर्फ एक आध चीज का अंतर है। तो आज मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टॉपिक यहाँ पूरा कर दिया। अब मैं इनकॉर्पोरेशन शुरू कर रहा हूँ, विद इन 3 मिनट्स इसको भी पैक करते हैं बेटा।
इन कॉर्पोरेशन में अगर आप देखो तो टोटल में 8 डॉक्यूमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। टोटल में 8 डॉक्यूमेंट्स हैं ये। अब मैं 8 के 8 की बात क्लियर कर देता हूं। 6 डॉक्यूमेंट तो वही हैं जो अभी हमने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट सबमिटेड में पढ़े। एमओए, एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, एग्रीमेंट, स्टैचुरी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस। 6 बिल्कुल सेम। 7th क्या है? नेम अप्रूवल की कॉपी। प्रमोशन स्टेज पे थर्ड स्टेप में आपने आरओसी से नेम अप्रूव कर, जिस नाम से कंपनी पूरी जिंदगी जानी जाएगी, उसकी एक कॉपी आरओसी को दोबारा भेज दो कि हमारी कंपनी इस नाम से जानी जाती है। 7th डॉक्यूमेंट ये है। 8th डॉक्यूमेंट है एग्जैक्ट एड्रेस का प्रूफ भेज दो। एमओए में अभी तक आप क्या करके देते हो? अपनी स्टेट का नाम बताते हो जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस प्रपोज टू बी सिचुएटेड। यहां आप एग्जैक्ट एड्रेस बता दो कि हमारी कंपनी का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है। यही है वो 8 डॉक्यूमेंट मैं पढ़वा दूंगा, लेकिन पहला डॉक्यूमेंट एमओए है, दूसरा एओए, कंसेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, एग्रीमेंट, स्टैचुरी डिक्लेरेशन, 8th में लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ फीस। अलग क्या है? 5th वन, अ कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार लेटर अप्रूविंग द नेम ऑफ द कंपनी। यानी कि वही नेम अप्रूवल की कॉपी एक बार आरओसी को देनी पड़ेगी। ये कहता है 5th। और 7th पढ़ो, अ नोटिस अबाउट द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, ये रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, मे बी सबमिटेड अलोंग विद दीज डॉक्यूमेंट। तो ये हैं 8 डॉक्यूमेंट। पर एमओए और एओए में मुझे एक एक्स्ट्रा बात बतानी है, वो आराम से सुन बेटा। यहां पर लिखा हुआ है द एमओए ड्यूली साइंड स्टैम्प एंड विटनेस। एमओए कैसा देना है? साइंड देना है, स्टैम्प देना है, विटनेस देना है। बेटा साइन कौन करेगा? कंपनी में पहले मेंबर, पहले डायरेक्टर कैसे बनते हैं? जो लोग एमओए पे साइन करते हैं। यानी कि पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर को साइन करना पड़ेगा और उनमें से 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो वहां कम से कम 2 मेंबर चाहिए, 2 ही डायरेक्टर चाहिए, तो 2 मेंबर साइन कर देंगे तो भी बेटा काम चल जाएगा। यानी कि कौन साइन करेगा ये बात मैंने बता दी, बात लिखी भी हुई है। इन द पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7 मेंबर मस्ट साइन इट। फॉर अ प्राइवेट कंपनी हाउ एवर द सिग्नेचर ऑफ 2 मेंबर आर सफिशियंट। द सिग्नेटरीज मस्ट ऑल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एड्रेसेस, ऑक्यूपेशन एंड द नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम। जो भी मेंबर बन रहे हैं उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि हम क्या काम करते हैं, हमारा एड्रेस क्या, और हम फ्यूचर में कितने शेयर बाय करने वाले हैं। तो ये बात बड़ी सिंपल सी है, वापस आ जाओ इस बात पर। एमओए साइंड होना चाहिए, पता लग गया कौन साइन करेगा। स्टैम्प्ड होना चाहिए। अगर आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हो और श्योरली पढ़ चुके होंगे, मैंने पहले ही बोल दिया था चैप्टर नंबर 7 तब शुरू करना जब चैप्टर नंबर 2 में कंपनी का बेसिक ज्ञान है। तो स्टैम्प किसकी है ये? बेटा स्टैम्प मतलब कंपनी की कॉमन सील होनी चाहिए। यानी कि सारे मेंबर साइन कर दे, 7 मेंबर, हर पेज पर कंपनी की कॉमन सील लगी हो, स्टैम्प लगी हो एंड विटनेस्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये बात समझोगे तो अगला कंसेप्ट समझ में आएगा। विटनेस का क्या मतलब है? बेटा विटनेस का मतलब है गवाह। देखो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में होते, अकेला मेंबर है या 2 मेंबर आते हो, आपने कहा जी हम 7 मेंबर हैं, हमने ना कंपनी बनाने की तैयारी कर रखी है, आप हमारे को ना डॉक्यूमेंट्स बता दो। सीए ने एमओए बना दिया, एओए बना दिया, अपनी फी चार्ज कर दी और एमओए उनको बनाकर दे दिया कि साइन करा कर लेना। अब सीए को नहीं पता कि कौन साइन कर रहा है, या 2 ही आदमी है बाकी सबके साइन फॉर्ज कर रहे हो आप। सीए को नहीं पता, सीए के सामने साइन नहीं हो रहे, आपने तो डॉक्यूमेंट घर के लिए मांगे, उसने दे दिए कि साइन करा कर ले। बेटा विटनेस का मतलब ये होता है कि किन लोगों के सामने उन 7 लोगों ने साइन करें, यानी कि गवाह कौन है इनके सिग्नेचर का, उसे विटनेस बोला जा रहा है। और ध्यान रखें ना, इंडिया में विटनेस वर्ड ना बहुत बड़ा क्राइम है। जितनी गलती साइन फॉर्ज करने वाले की होती है उससे ज्यादा बड़ी गलती विटनेस की मानी जाती है। तो विटनेस बनना बहुत खतरनाक चीज है, ये आपको अगले कंसेप्ट में पता लग जाएगा। फिलहाल मैंने मतलब क्लियर कर दिया। यहां पर हमारा इनकॉर्पोरेशन भी खत्म हो जाता है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।